खफा होने वाला है। ओह गॉड। लेकिन अब शाहजेब मुल्की हिस्ट्री का द बिगेस्ट फ्रॉड दैट वी सॉ यस्टरडे ऑन द न्यूज। बिल्कुल, बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। एस्कॉर्ट पेट्रोलियम और नेशनल बैंक के दरमियान मुल्की तारीख का इसको बड़ा फ्रॉड करार दिया जा रहा है। आपको बताएं कि एफआईए ने फ्रॉड का पर्दाफाश किया, जबकि 30 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बहुत सारे अफसरान नामजद किए गए हैं, जिसमें हेस्कॉल के साबिक अफसरान भी शामिल हैं और साथ में नेशनल बैंक के अफसरान भी शामिल हैं, और हेस्कॉल पेट्रोलियम के बानी मुमताज हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो दीगर अफसरान है माया उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इन्होंने बेसिकली कर्जा लिया और कर्जों को लेकर फिर उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, मुलजमान ने मिली भगत से कौमी मालियाती इदारे से अरबों रुपए का कर्जा लिया और वो कर्जा लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस तरीके से अब जो ये भी कहा जा रहा है कि मुलजमान में नेशनल बैंक के दो साबिक हुजूर भी शामिल हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बकायदा मनी लॉन्ड्रिंग की वाली बात है ना। कहीं ना कहीं तो पकड़ हो ही जाती है, वक्त के साथ हो ही जाती है, और जो चीज पकड़ में नहीं आ रही है वो कोरोना की सिचुएशन है शायद।